सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर एक माँ चाहती है उनका जब बालक हो तो स्वस्थ रहे, स्वस्थ बालक पैदा हो, सुंदर बालक हो जाए और उसमें किसी भी प्रकार की कमियाँ ना हो, हर एक माँ चाहती है। तो देखिए, कोई भी माँ अगर गर्भवती है, उनके गर्भ में बालक पल रहा है, तो उनको ये तीन नियम का विशेष ध्यान देना चाहिए। वो कौन से तीन नियम हैं? अगर आपके गर्भ में बालक है तो ये तीन नियम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। हर एक माँ चाहती है कि बेटा जब हो या फिर बेटी जब हो जाए, स्वस्थ पैदा हो, किसी भी प्रकार की कमियाँ ना हो, विकलांग ना हो। अगर आप ये तीन कार्य करते हैं, इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, तो भगवान की कृपा से आपके घर में जो बालक होने वाला है वो बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सुंदर पैदा होगा। तो इन नियमों को आप ध्यान से सुनिएगा, माताएं विशेष करके ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी सुनिएगा। देखिए, कभी भी गर्भवती महिला को जब घर में रोटी बनती है ना, रोटी बनाने के बाद पहली रोटी गौ माता को रोज खिलाना चाहिए। आप अपने हाथों से गौ माता को पहली रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपका जो होने वाला बालक होगा वो स्वस्थ पैदा होगा, सुंदर होगा। तो पहली रोटी गौ माता को जरूर खिलाएं। और दूसरे नंबर में, आप जिस पलंग में सोते हो, सोने के भी नियम हैं, जिस पलंग में सोते हो और पलंग के नीचे झाड़ू कभी भी रखना नहीं चाहिए। गर्भवती माताएं ज़रूर ध्यान दें, आप जिस पलंग में आप सोती हैं ना, उसके नीचे झाड़ू कभी भी होना नहीं चाहिए। और तीसरा नियम तो सब कोई जानते हैं, भगवान के नाम तो हमेशा लेना चाहिए। जितना भगवत नाम उच्चारण किया जाए उतना ही हमारे लिए कल्याणकारी, भगवान के एक नाम भी भवसागर को पार कराने वाला है। और जिस समय आप गर्भवती हैं उस समय आप भगवत नाम जरूर जाप कर लीजिए। जो आपके इष्ट देव हैं, राम, कृष्ण, शिव, जो भगवान से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, जो भगवान के जिस रूप से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, वो भगवान का नाम रोज़ उच्चारण करें। और जब गर्भ 5 या फिर 6 महीना में चल रहा हो तो आप नियम बनाइए, रोज़ 1 लोटा जल शंकर जी पर जरूर चढ़ाना है। अगर आपने भी ये तीन बातों का ध्यान दिया, इन तीन नियम को आपने धारण कर लिया, इन तीन नियम का अच्छे से पालन किया, तो भगवान की कृपा से आपके घर में जो बालक होगा बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल सुंदर पैदा होगा। प्यार से बोलना पड़ेगा।